हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा राष्ट्रीय इनकम। और आपको पता है कि हम लोगों ने 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और आज आपका इकोनॉमी का नेक्स्ट चैप्टर है आर्थिक नियोजन। इसके बारे में आज देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और जो शुरुआत है वो हम कर रहे हैं योजना आयोग से। योजना आयोग आपको पता है कि वर्तमान में अब ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आज भी ये क्वेश्चन बनते हैं। इसको हटा दिया गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी और ये किस तरह का जो है निकाय था, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। योजना आयोग में आप देखते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक अस्थाई एवं विशेष निकाय की आवश्यकता थी, जो नियोजन के संपूर्ण उत्तरदायित्व को उठा सके। यानी कि भारत की आज़ादी के बाद भारत के लिए एक ऐसे संस्थान की ज़रूरत थी जो भारत के लिए आर्थिक जो है नियोजन का एक तरीके से कहीं नियम कानून बना सके, उसको लागू करने के लिए जो है जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन सारी चीज़ों को पूरा कर सके, उसके लिए एक ऐसी संस्था की ज़रूरत थी। और इसी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए योजना आयोग की जो है स्थापना की गई 15 मार्च 1950 में। और उस समय जब ये बनाया गया तो बनाने की जो पद्धति थी, यानी कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसको संसद में इस तरह के जो है मत पारित करके इसको बना दिया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो उपाध्यक्ष होते थे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते थे। और ये एक संवैधानिक नहीं बल्कि गैर संवैधानिक या कहिए सांविधिक निकाय था, और एक परामर्शदात्री निकाय था जो पूरे भारत के लिए अर्थव्यवस्था के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए जो है यहाँ पे बनाए जाते थे, वर्क किए जाते थे। तो काफ़ी बड़ी संस्था थी और एक अस्थाई संस्था थी जिसने काफ़ी लंबे समय तक वर्क किया है। तो योजना ये है आपका योजना आयोग, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। चूँकि जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी कि उस समय जो है उपाध्यक्ष जो है ये गुलजारी लाल नंदा हैं, और जो पहले अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री वही थे उस टाइम में। तो उपाध्यक्ष एग्ज़ाम में आ सकता है कि पहले कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। कब हटाया गया? तो ये 1 जनवरी 2015 को हटाया गया है, और इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, डेट पूछता है, एक तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी और दूसरा योजना आयोग को ख़त्म कब किया गया है। तो दोनों डेट आप लोगों को याद होना चाहिए। उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है, और जो नीति आयोग है ये और भी बेहतर वर्क कर रहा है, क्योंकि जो नीति आयोग है ये राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन जो है करवाता है, या इस तरह से वर्क करता है कि राज्य आपस में कंपटीशन करके अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दें। जैसे आप देखते हैं जो नीति आयोग है ये तरह तरह के सूचकांकों का या तरह तरह के रिपोर्टों को प्रकाशित करता है, जिसमें कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा आगे है सफाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, या वहाँ पे जो है कितना ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं इस क्षेत्र में, इन सारे चीज़ों को लेकर के जो नीति आयोग है ये रिपोर्ट हर साल निकालता है, और सारे राज्यों को मोटिवेट करता है कि वो अपने राज्य को बेहतर से बेहतर बनाएं, ताकि उन्हें हर साल जो है प्रथम स्थान मिले। आप जानते हैं कि राज्यों के अलावा नीति आयोग जो है राज्यों के अंदर जो शहर हैं उनको भी मोटिवेट करता है कि वो अपने यहाँ स्वच्छता को और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दें। और आपने देखा कि पिछले कई सालों से जो इंदौर शहर है वो हमेशा पहले स्थान पे आता था। तो इस तरह की जो हेल्दी कंपटीशन है, इस तरह का कंपटीशन भी करवाता है नीति आयोग। और जो नीति आयोग है ये योजना आयोग से भी बड़ी संस्था के रूप में आया है सामने। इसमें आप देखेंगे जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो इसके इसमें सदस्य होते हैं वो कैबिनेट स्तर के जितने मंत्री होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं। इसके अलावा सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है सदस्य होते हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो भी नीति आयोग के सदस्य के रूप में होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे विशेषज्ञ जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हों, चाहे वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर हों या जो रिसर्च ऐसी संस्थाएं हैं जो रिसर्च करती हैं, शोध करती हैं, वहाँ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं यानी कि विशेषज्ञ होते हैं उनको भी नीति आयोग जो है इन्वाइट करता है, उनसे भी परामर्श लेता है। तो नीति आयोग योजना आयोग से भी बड़ी निकाय है और उससे भी बृहद स्तर पर वर्क कर रहा है। तो बहुत ही सराहनीय है नीति आयोग का काम। आगे है नेक्स्ट जो संस्था है बच्चों जिसको हमें देखना है, वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है एक तरीके से देखेंगे योजना आयोग से भी बड़ा है, या योजना आयोग के कार्यों को अप्रूवल देता है या उसके कार्यों पे आप देखेंगे नियंत्रण रखता है और एक तरीके से कहेंगे कि ध्यान देता है।
तो आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। ये 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे मैंने डेट लिखा है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। यह अभी एक सांविधिक निकाय है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये बार बार एग्जाम में आता है कि सांविधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है। अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों की विवेचना तथा निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यानी कि जो भी नियम कानून जो है योजना आयोग बनाता था, उन सारे नियम कानूनों का विवेचना करने के लिए और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यानी कि अगर कोई भी नियम कानून या कुछ भी योजना आयोग बनाता था देश के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, तो उसका जो विवेचना है, उसका जो अध्ययन है, वो विकास परिषद करता था, उसके पास जाता था और जब वो अप्रूवल देता था तभी वो सारी चीज़ें लागू होती थी। यानी कि उसके ऊपर एक तरीके से कहीं कंट्रोलर के रूप में था या उसको और भी बेहतर वर्क करने के लिए, प्रेरित करने के लिए था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आप देख सकते हैं जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, यानी कि योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है। इसके अलावा नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और इसके अलावा आप देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। और जब नीति आयोग आएगा तो आपने देखा कि उसमें और उसके एरिया को और भी ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है, उसमें सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी बुलाया जाता है, उनके भी मत को लिया जाता है, तो उसने अपने क्षेत्र को और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया है। तो जान लीजिए जो नीति आयोग है वो और भी बड़ा है। तो आप देख सकते हैं अभी तक जो बैठकें हुई थी योजना जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की, लगभग 57 बैठक हो चुकी है, जिसमें से जो 57वीं बैठक है ये 27 दिसंबर 2012 को हुआ था और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो आप जानते हैं मोदी जी के पहले जो वर्क कर रहे थे उन्हीं के समय में, मनमोहन जी के समय में ये काम किया गया था, यानी कि लास्ट बैठक हुआ था। इसमें आप देखेंगे योजना आयोग ही इस तरह के पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के आती थी, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपना लक्ष्य रखती थी कि वो 5 सालों में क्या प्राप्त करना चाहती है या वो किस आधार पर वर्क करना चाहती है, उसका प्राप्ति का दर क्या होगा और वो कौन कौन सी चीज़ों को अपने प्राथमिकता में रखेगी और 5 साल तक उस पर वर्क करेगी। ये बहुत ही बढ़िया तरीका था पंचवर्षीय योजना का। आप जानते हैं देश आज़ाद होने के बाद जब हमें देश को चलाना पड़ा तो हमें हर क्षेत्र में सोचना था, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी विकास के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई कि जो भी गवर्नमेंट होगा वो अपने कार्यकाल के दौरान 5 वर्षों का अपना रखेगा एक क्राइटेरिया और उस दरमियान वो अपना खुद के लिए एक लक्ष्य रखेगा और उसे प्राप्त करने का कोशिश करेगा ताकि जो देश है उसका विकास हो सके और जो लोगों की परेशानियां हैं वो दूर हो सके। तो इसमें के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी, जिसमें से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कब आया है 1951 से लेकर के ये योजना जो है 1956 तक चली थी। जो लक्षित दर था यानी कि गवर्नमेंट ने जो दर रखा था कि हमें ये प्राप्त करना है वो 2.1 था और जो प्राप्ति वृद्धि दर थी वो 3.6 थी, यानी कि हमने अपने लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त किया था, यानी कि लगभग 1.5% हमने अपने लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त किया था पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने ये लक्ष्य प्राप्त किया था। ये जो मॉडल है बच्चों, मॉडल भी पूछता है, ये हेराल्ड डॉमर जो व्यक्ति है या जो आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उन्हीं के नाम पे मॉडल रखा गया है और ये वृद्धि दर है। वृद्धि दर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इम्पॉर्टेंट है। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, यानी कि किन चीज़ों पे यहाँ पे जो है फोकस किया गया था, तो कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है वो बहुत गरीब था, जब अंग्रेजों ने छोड़ा तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ गरीबी हो गई थी, उन्होंने किसी क्षेत्र को छोड़ा ही नहीं था, इतना ज़्यादा लूट लिया था कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका भी बहुत दोहन किया था और जो भी हमारी चीज़ें थी उन सबको इतना बुरी तरीके से उन्होंने निचोड़ा था कि कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो ऐसे में लोगों को उनका पेट भरने तक के लिए अनाज हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता था कि हम अपने देशवासियों का पेट भर सके। तो इसीलिए जो योजना आयोग बनाती है नियम, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य मोटिव रखा जाता है वो कृषि
के क्षेत्र को वृद्धि करने के लिए, अनाज उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए किया गया कि ताकि हम अपने लोगों का कम से कम पेट तो भर सकें, बाकी चीज़ें तो हम बाद में कर लेंगे, पहले लोगों को भोजन उपलब्ध हो। इसके लिए कृषि क्षेत्र को मेन महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में रखा गया था कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास किया जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और इसमें जो है सरकार को बहुत सफलता भी मिली थी। आगे हैं बच्चों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। योजना अवधि 1955 से 61 है, यानी कि 1956 से लेकर के 61 चली थी, क्योंकि ये 56 में समाप्त हो गया था। इसमें जो लक्षित दर है वो क्या है, तो ये 4.2% है। जो प्राप्त दर है ये 4.3% है, यानी कि हमने यहाँ पर भी लगभग अपने जो रखा था लक्ष्य उसको प्राप्त कर लिया था। मॉडल भी एग्ज़ाम में पूछता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महालनोबिस मॉडल है ये, यानी कि इनका जो मॉडल था वो महालनोबिस मॉडल पे ये बना था, यानी कि जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं या आर्थिक जो व्यक्ति हैं अर्थव्यवस्था के वो महालनोबिस हैं। और जो महत्वपूर्ण बिंदु था, आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास, यानी कि यहाँ पे लक्ष्य रखा गया कि हम आधारभूत मीन्स कि जो सबसे ज़रूरी जो सबसे आवश्यक उद्योग हैं ऐसे उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जाए। जैसे आपको फैक्ट्री बनानी है, पुल बनानी है, कुछ भी बनाना है तो आपको उसके लिए इस्पात की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे कम से कम 3 महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। जो एक था वो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में था, भिलाई इस्पात संयंत्र। ये जो है रूस की मदद से, या इसको सोवियत संघ भी कहा जाता था, उसकी मदद से लगाया गया था। दूसरा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया था वो राउरकेला उड़ीसा का, इसको जो है स्थापित किया गया था और ये जर्मनी की मदद से किया गया था। तीसरा जो इस्पात संयंत्र लगा था वो पश्चिम बंगाल में लगा था, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और ये ब्रिटेन की मदद से लगा था। और जब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में आएंगे तो एक और इस्पात संयंत्र बोकारो इस्पात संयंत्र लगाया गया था, जो कि झारखंड में है और वो भी रूस की मदद से लगाया गया था। तो ये कुछ इस्पात संयंत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछता है किस राज्य में है और किस देश की मदद से लगाए गए थे, तो इंपॉर्टेंट है। पहले के 3 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए हैं और जो बोकारो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। ये इस्पात संयंत्र जो हैं यानी कि यहाँ पे लोहे का निर्माण किया जाता था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के क्षेत्र में विकास पर जोर दिया गया था, पहला कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए बनाया गया था। जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना है आप देखेंगे इसका जो अवधि है ये 1961 से 1965 है, यानी कि 61 से 65 के दरमियान तृतीय पंचवर्षीय योजना आई थी। और आप देखेंगे कि लक्षित दर जो है इसका 5.6% है और जो हमने प्राप्त किया है वो है 2.6%। रीज़न है इसमें, मॉडल क्या है, जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती जो है इन्हीं के आधार पर मॉडल बनाया गया है। और महत्वपूर्ण बिंदु जो था वो आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्त आर्थिक विकास, यानी कि आत्मनिर्भर हो हम और स्वतः यानी कि खुद से ही स्फूर्तिमान रहे ऐसे जो है आर्थिक विकास हो, ये महत्वपूर्ण बिंदु था। ये हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए या बहुत कम प्राप्त कर पाए, इसके लिए रीज़न था 1962 में आपको पता है जो चाइना है उसने भारत पर अचानक से आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे क्षेत्र जो है वो चाइना के पास चले जाते हैं और हमें बहुत हानि होती है आर्थिक भी, और एक तरीके से देखेंगे कि सैनिकों की भी बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है, बहुत ज़्यादा हमने क्षेत्र भी गंवा दिए थे इस युद्ध में। तो ऐसे समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई, या जो हमने रखा था लक्ष्य उस पर हम वर्क नहीं कर पाए, हमारा जो पैसा था, हमारा जो ध्यान था, हमारे जो चीज़ें थी वो युद्ध में चली गई। इसी वजह से जो ये पंचवर्षीय योजना है तीसरी, इसमें हम अपने लक्ष्य को बहुत कम प्राप्त कर पाए थे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, 1962 में चाइना ने आक्रमण किया था, इसलिए ये योजना बहुत कम जो है वृद्धि दर प्राप्त कर पाई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या है, 1969 से 1974 है और लक्षित दर क्या है, 5.7% है और प्राप्त दर क्या है, 3.3% है। और इसका जो मॉडल है ये है ओपन कंसिस्टेंसी, ये मॉडल है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, यानी कि ऐसा ना हो कि हम कभी आत्मनिर्भर हो कभी ना हो, ऐसी आत्मनिर्भरता जो स्थिर रहे, जो एक बार आए तो वो बनी रहे, ऐसी जो है मेन बिंदु रखा गया था। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं कि हमने जो रखा है लक्ष्य उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए, क्यों, कि
क्योंकि आपको पता है कि 1965 में ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, यानी कि अभी हम एक आक्रमण से उभरे भी नहीं थे, अपने आप को स्टैंड भी नहीं किया था, हमारी अर्थव्यवस्था अभी नॉर्मल भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान ने भी आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में भी हमें बहुत क्षति उठानी पड़ी। आपको पता है इसी दरमियान जो हमारे यहाँ गेहूँ का आयात होता था अमेरिका से, यहाँ हमारे यहाँ के लोगों का पेट भरने के लिए, अमेरिका उस समय पाकिस्तान का साथ देता है और धमकी देता है कि अगर भारत ने जो है अपने आप को पीछे नहीं खींचा तो हम अनाज यानी कि गेहूं का जो निर्यात है उसे बंद कर देंगे। और उसी समय हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, बहुत ही हिम्मत वाले प्रधानमंत्री, बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री, इतिहास में सबसे पूजनीय प्रधानमंत्रियों में से एक जो जिन्होंने अपने ईमानदारी का मिसाल रखा था, उन्होंने उसी समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था और उन्होंने कहा कि हम अपने आत्मसम्मान से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे और युद्ध जो पाकिस्तान ने किया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उसे जवाब देंगे, हम एक टाइम भोजन करेंगे लेकिन पाकिस्तान को तो जवाब देंगे ज़रूर। और यहाँ पे जो है वो आग्रह करते हैं सैनिकों से कि आप एक टाइम भोजन कीजिए, किसानों से आग्रह करते हैं कि आप लोग उपवास रखिए लेकिन जो है हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। और अमेरिका ने उस समय गेहूँ सप्लाई बंद कर दिया था, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी लेकिन जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके मोटिवेशन से हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने पाकिस्तान को अच्छे से सबक भी सिखाया और उनके काफ़ी क्षेत्रों को कब्जा भी कर लिया था। और इसी दरमियान ताशकंद समझौते के दरमियान उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो इन्होंने बहुत ही दृढ़ता से वर्क किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रीज़न था कि ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे पूरी तरह से। नेक्स्ट है बच्चों आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ये आप देखेंगे 74 से 69 के दरमियान आया था और यहाँ पे जो लक्षित दर था ये 4.4 था और जो प्राप्त दर था वो 4.8 था, यानी कि यहाँ पे हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा प्राप्त किया था। और इसके पहले आपको पता है कि 1966-67 में ही हरित क्रांति आ गई थी, तो हम अनाज के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर हो गए थे, हमें विदेशों से अब आयात नहीं करना पड़ रहा था। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि अनाज के क्षेत्र में हमारे देश में समृद्धि आई थी और बाकी क्षेत्रों में भी हमने प्रोग्रेस किया, तो हमने अपने लक्ष्य से ज़्यादा हासिल किया है। उसके बाद हमने दिखा दिया कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी हम जो है पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि आगे बढ़ के दिखाएंगे। तो आपका ये जो पंचवर्षीय योजना है ये भी जो है सक्सेस रहा। नेक्स्ट है आपका छठी पंचवर्षीय योजना, ये 1980 से 85 के दरमियान था, या इसका जो लक्षित दर है ये 5.2 है और जो प्राप्त है ये 5.7 है, यानी कि यहाँ भी हमने अपने लक्षित दर से थोड़ा ज़्यादा प्राप्त किया है। मॉडल क्या है? आगत निर्गत मॉडल है और जो महत्वपूर्ण बिंदु है गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, यानी कि गरीबी को दूर करेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखेंगे आत्मनिर्भरता नहीं थी। हमने अपने यहाँ कृषि के क्षेत्र में तो या अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी लेकिन बड़े पैमाने पर अभी भी बेरोजगारी थी, गरीबी थी, भुखमरी थी या कुपोषण के शिकार थे लोग। तो यहाँ पे जो है मेन बिंदु ही रखा गया था कि गरीबी को दूर करेंगे और रोजगार का सृजन करेंगे। तो ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना है बच्चों। एग्ज़ाम में आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन का नारा दिया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पे आप देखेंगे योजना अवकाश पाया जाता है या अनवरत योजना, सॉरी यहाँ पे एक अनवरत योजना या रोलिंग प्लान आया था, यानी कि यहाँ पे जो सरकार है वो बदल जाती है, कांग्रेस की जो सरकार है उसकी जगह पे जनता पार्टी की सरकार आती है और वो इस पंचवर्षीय योजना की जगह पे अनवरत योजना या रोलिंग प्लान लेकर के आते हैं। ये जो सरकार थी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रही, ये 78 से लेकर के जो है 81 तक के लिए बनाई गई थी योजना, लेकिन ये बीच में ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि एक ही साल के बाद ये सरकार जो है हट जाती है और इस योजना को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी रखे गए थे, इसमें आप देखेंगे राजनीतिक दृष्टि से भी ये कार्यकाल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कांग्रेस है उसको हटाने के बाद जो जनता पार्टी आती है तो 44वां संविधान संशोधन लाती है और 42वें संविधान संशोधन की जो अनावश्यक चीज़ें जो संशोधित कर दी गई थी या बहुत ज़्यादा त्रुटियां हो गई थी उनको संशोधन करके फिर से बेहतर बनाने का इन्होंने प्रयास किया था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें इन्होंने कुछ और भी महत्वपूर्ण वर्क किए थे, जैसे आप देखेंगे उच्च मूल्य की मुद्राओं
की वैधता समाप्त कर दी गई, यानी कि जो भी बड़े नोट थी जैसे 10,000 के हैं या इस तरह के जो बड़े नोट थे उसको समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा शराबबंदी और जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया था, यानी कि शराबबंदी की गई थी, शराब को यहाँ पे बंद करने का प्रयास किया गया था। और इसके अलावा जो जन वितरण प्रणाली है इसको बढ़ावा दिया गया था, जो सरकार जो है वर्तमान में भी आप देखेंगे अनाज का वितरण करती है उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। और इसके अलावा बीमा योजना, सार्वजनिक बीमा योजना को शुरू किया गया था यहाँ पे, यानी कि बड़े पैमाने पे लोगों का जो है वो बीमा योजना जो है कराया गया था। और आप देखेंगे ये जो प्लान है इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है और ये 78 से 80 के बीच था और इसका जो मॉडल था वो गुन्नार मिडल मॉडल था, यानी कि उन्हीं के मॉडल पे ये बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बच्चे पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं कि क्या है ये। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 90 के दरमियान जो है लागू किया गया था। इसका जो लक्ष्य था ये 5.0% था और इसमें जो प्राप्त हुआ था वो आप देखेंगे 6% प्राप्त हुआ था, यानी कि लगभग आप देख सकते हैं कि 1% हमने ज़्यादा प्राप्त किया था। तो ये योजना सक्सेस रहा। जो मॉडल है आगत निर्गत जो मतलब व्यवस्था है उसमें विस्तार पे जोर दिया गया था। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो कृषि विकास और प्रेरित समृद्धि, यानी कि यहाँ पे अभी भी कृषि में विकास की ज़रूरत थी या ऐसी समृद्धि जो हमेशा प्रेरित करती रहे या आगे बढ़ती रहे, इसका जो है जोर दिया गया। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो योजना अवधि है ये 1992 से 97 है और जो लक्षित दर है वो 5.6% है, जो प्राप्त दर है वो 6.8% है, यानी कि हमने लक्ष्य से यहाँ भी ज़्यादा प्राप्त किया है, यानी कि बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे हम। आगे है बच्चों, इसमें मॉडल जो है वो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल है और जो महत्वपूर्ण बिंदु है मानव संसाधन पर बल, यानी कि जो मानव संसाधन है, यानी कि जो हम मानव से तरह तरह के वर्क लेते हैं या मनुष्य तरह तरह का जो कार्य करता है उस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, यानी कि मानव को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना, क्योंकि हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है, लेकिन अगर उनका जो है सही तरीके से काम ना लिया जाए तो फिर इस जनसंख्या का कोई मतलब ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको अलग अलग कार्यों में लगाया जाए और उन्हें एक संसाधन के रूप में उनसे काम लिया जाए, तो ये जो जनसंख्या है ये हमारे लिए संसाधन है। लेकिन अगर जनसंख्या से वर्क ना लिया जाए या उसे उसके अंदर जो क्वालिटी है उसका यूज ना हो तो फिर वो जनसंख्या हमारे लिए बोझ है, यानी कि उसे हमें बस उसका पेट भरना है या उसे किसी तरह ढोना है। लेकिन अगर उसे अच्छी तरीके से हर क्षेत्र में ट्रेन कर दिया जाए और उसे वर्क लिया जाए तो जो जनसंख्या है वो हमारे लिए एक साधन है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये यहाँ पे साधन के रूप में मानव बल को रखा गया था। नवीं पंचवर्षीय योजना ये 1997 से 2002 के बीच में लाई गई थी और जो लक्षित दर था वो 6.5% था और जो हमने प्राप्त किया था वो 5.2% प्राप्त किया था, यानी कि यहाँ पे हमने अपने लक्ष्य को थोड़ा कम प्राप्त किया है। आगे है जो मॉडल आगत निर्गत मॉडल है और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सामाजिक न्याय और असमानता के साथ आर्थिक समृद्धि, सॉरी समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, यानी कि सामाजिक न्याय, समाज में सबको बराबर का अधिकार मिले, बहुत ज़्यादा जो भेदभाव है इस तरह की चीज़ें ना हो और जो भी हो उसमें समानता हो, यानी कि जो आर्थिक विकास है उसमें समानता के साथ वृद्धि की जाए, तो इस पर जो है ध्यान दिया गया है। आगे है बच्चों आगे ध्यान देंगे आप लोग, इसका जो मॉडल है वो आगत निर्गत हो गया और आपने देखा कि क्या है महत्वपूर्ण बिंदु। और नेक्स्ट है दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007 के बीच ये चला था और इसका जो लक्षित दर है वो 8.0% है, प्राप्ति दर जो है वो 7.6% है और जो मॉडल है व्यापक आगत निर्गत और जो महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास। अच्छा ये तो हो गया है, आगे बढ़ेंगे 13वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपका 2007 से 2012 के दरमियान आया था और इसका जो लक्षित दर था वो 9.0% था और जो हमने प्राप्त किया है वो 8.0% है, यानी कि यहाँ भी हमने अपने लक्षित दर से 1% कम प्राप्त किया है।
और इसका जो मॉडल है वो है योजना आयोग का पत्र, यानी कि यहाँ पे योजना आयोग ने जो भी इनके लिए निर्धारित किया था उसी को इन्होंने अपना मॉडल बनाया था। और इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तीव्रतर और आर्थिक समावेशी विकास, यानी कि अधिक समावेशी विकास, यानी कि तीव्रतर यानी कि बहुत तेज हो, और अधिक समावेशी विकास यानी कि सभी के लिए जो है बेहतर एक तरीके से कहेंगे विकास पे ध्यान दिया जाए, इस तरह का यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं। यानी कि विकास जो है वो बहुत तेज हो और सभी को लेकर के विकास हो, उसी को समावेशी विकास कहते हैं। तो इसका यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 17 इसका जो टाइम पीरियड है रखा गया था। जो लक्षित वृद्धि दर है ये 8.0% है, और इसकी प्राप्ति दर ब्लैंक है, क्योंकि आपको पता है ये पूरी नहीं हो पाई थी, 2015 में ही जो है इसको समाप्त कर दिया गया, और इसकी जगह पे 15 वर्षीय जो देखेंगे योजना लाई गई थी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे नई योजना शुरू हो गई थी इसलिए इसको बीच में ही रोक दिया गया, तो इसका जो प्राप्ति दर है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाया और इसका मॉडल भी प्राप्त नहीं हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। ये एग्जाम में आया है कि पंचवर्षीय योजना का जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो क्या था, तो त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। और आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका वही है, यानी कि 11 और 12 का सेम जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इसको ध्यान देंगे आप लोग। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हैं जिसको हम जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सब देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें है जो है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ नांगल, आपको पता है भाखड़ नांगल जो परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, ये पंजाब राज्य और हिमाचल राज्य को मिला करके बना हुआ है, और ये सतलज और रावी नदी के संगम पर बनाया गया है। तो ये जो भाखड़ नांगल परियोजना है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दरमियान बना था। इसके अलावा आप देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि झारखंड पश्चिम बंगाल की परियोजना है, ये परियोजना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और जो आपका तीसरा है वो ब्यास परियोजना है, ये भी आप देखेंगे पंजाब राज्य का है। ये कुछ परियोजनाएं थी, नदी घाटी परियोजनाएं, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दरमियान लाए गए थे, जिससे जो नदी के पानी है उसका हम सिंचाई के रूप में, पीने के पानी के रूप में उपयोग कर सकें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदी परियोजनाएं हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दरमियान आए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी, यानी कि जो भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था चुनी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी है। और कब चुना है? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दरमियान चुना है। रीज़न क्या है? कभी कभी इस पर डिस्कशन होता है कि भारत को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चुननी चाहिए थी, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, तो भारत जो है अब तक विकसित राष्ट्र हो जाता। लेकिन जो वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, भारत को समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था को चुनना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी, और ऐसे टाइम में हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं चुन सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पूंजीपति वर्ग नहीं था, गिने चुने बहुत कम लोग थे, और हम उनके हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं सौंप सकते थे। हम किस आधार पर करते? क्योंकि इतनी ज़्यादा गरीबी है और पूंजीपति ज़्यादा है नहीं, तो पूंजीपति अर्थव्यवस्था को चुन नहीं सकते थे। और जो आप देखेंगे सार्वजनिक, यानी कि जो दूसरी अर्थव्यवस्था है उसको भी हम नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ इतना पैसा भी नहीं था या इतना ज़्यादा विकास नहीं था कि गवर्नमेंट जो है सबकी ज़रूरतों को अपने पैसे से या अपने खजाने से पूरा कर सके। इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि ऐसे में ना तो गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वो सबका ज़रूरत पूरा कर सके, और ना ही पूंजीपति वर्ग ही उस समय इतने थे या इतने मजबूत थे कि वो देश की अर्थव्यवस्था को चला सके। तो ऐसे टाइम में जो गवर्नमेंट है उसने बीच का रास्ता निकाला, यानी कि निजी क्षेत्र को भी जो है रखा गया और सार्वजनिक क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया, और इसीलिए हमने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो समय की जो परिस्थितियाँ थी उसके अकॉर्डिंग ये अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दरमियान अपनाया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया बच्चों कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दरमियान गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो ये आप देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया, तथा पहली बार
निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई। यानी कि यहाँ भी स्थिति सुधर नहीं रही थी, सरकार बहुत प्रयास कर रही थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे में इन्होंने निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो और बेहतर हो सके। आठवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार मानव संसाधन के विकास को प्राथमिकता दी गई, यानी कि यहाँ पे मानव को एक संसाधन के रूप में देखा गया। नेक्स्ट है 1966, 1967 और 1968, ये जो तीन वर्ष है इसको योजना अंतराल या योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है, यानी कि इस दरमियान कोई योजना नहीं बनाई गई थी, क्योंकि इस दरमियान आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई थी, तो ये जो है योजना अवकाश का काल था। 1966-67 में ही हरित क्रांति आई थी, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1962 में चीन ने, 1965 में पाकिस्तान ने जो है युद्ध किया या उन्होंने आक्रमण किया और हमें युद्ध करना पड़ा। इसके अलावा 1965-66 के दौरान भीषण सूखा पड़ा था और इन सारी परिस्थितियों में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा डगमगा गई थी और इस वजह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर पाए और आगे जो योजना अवकाश हमें रखना पड़ा था। नेक्स्ट है बच्चों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैंने आपको बता दिया कि राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई जो है ये रूस की सहायता से ये संयंत्र लगे थे, छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था ये संयंत्र और ये पश्चिम बंगाल में है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो की स्थापना की गई थी, झारखंड में है और ये रूस की सहायता से ये भी लगा था। तो ये चार संयंत्र हैं जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। 1990-92 में राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण योजना अवकाश था, यानी कि दो बार योजना अवकाश हुआ है, एक 1990-92 में है और एक इसके पहले आपने देखा कि 1966 से लेकर के 68 तक का जो काल है ये योजना अवकाश है। और ये क्यों है, जब भी आर्थिक स्थिति खराब होती थी या राजनीतिक अस्थिरता आती थी तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। आगे बढ़ेंगे बच्चों, 1990-92 ये तो हो गया है। नेक्स्ट है 1991 में व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए तथा इन आर्थिक सुधारों में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया गया या बढ़ावा देने पर बल दिया गया। ये सारी चीज़ें की गई थी ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो सुधर सके और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आए। और आपको पता है इन्हीं सारी परेशानियों की वजह से ही हमें 1992-91 में अपने यहाँ LPG लागू करना पड़ा था, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हमने लागू किया था। और इसलिए जो साल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस साल जो सरकार है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आर्थिक क्षेत्र में और गवर्नमेंट ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं बच्चों आर्थिक नियोजन के चैप्टर से जो कि इम्पॉर्टेंट्स थे, वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए। इसको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा और पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्लास में। थैंक यू।